अस्सलाम वालेकुम जी तो डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप ठीक हैं मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टेंथ क्लास है इंग्लिश का यूनिट नंबर थर्टीन थैंकफुलनेस की जो एक्सरसाइज़ है उसको सोलूशन पढ़ेंगे मतलब उसके क्वेश्चन और आंसर अलॉन्ग विद देयर उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ेंगे अगर आ, आपने अभी तक इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए तो आज फिर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं वट खेस डिड यंग मैन ब्रिंग टू हजरत उमर फारूक रिपीट कर देता हूँ वट खेस क्या जो मामला था डिड यंग मैन नौजवान आदमी ब्रिंग टू हजरत उमर फारूक हजरत उमर फारूक के पास लेके आए थे नौजवान हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताल के पास कौन सा मामला लेकर आए थे Uh, इसका आंसर है जी दे द केस ऑफ देयर फादर्स मर्डर ये एच ई के साथ आगे आपने आर लगा लेना उसके बाद एपोस्ट्रोफी और फिर एस है एपोस्ट्रोफी प्लस एस है फादर्स मर्डर फादर्स मर्डर फादर्स मर्डर तो जो वो लोग थे वो लाए थे दी केस मुकदमा ऑफ देयर फादर्स मर्डर उनके वालिद का जो कत्ल था उसका मुकदमा लेके आए थे दे ऑल्सो ब्रॉड दर्टर विद देम वो लाए थे दी मर्डर कत्ल करने वाले कातिल को भी साथ लाए थे विद दे डिमांडेड जस्टिस और उन्होंने डिमांडेड मुतालबा किया था किसका जस्टिस का दे ब्रॉड केस ऑफ दे फादर्स मर्डर दे ऑल्सो ब्रॉड द मर्डर विद और वेल दे डिमांडेड जस्टिस सो दिस इज बेसिकली दंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वाई डिड द ओल्ड मैन हर्ल्ड स्टोन एट कैमल वाई डिट दी ओल्ड मैन क्यों बूढ़े आदमी ने हर लस्टोन फेंका था एक पत्थर एट कैमल ऊंट पर तो इसका आंसर है दी ओल्ड मैन हर लस्टोन बूढ़े आदमी ने फेंका था एक पत्थर एट दी खैमल ऊँट पर बिकॉज क्योंकि इट हैड इटन क्योंकि इसने खा लिए थे अ फ्यू लीव चंद पत्ते फ्रॉम वन ऑफ इज ट्रीज उसके दरख्तों में से एक दरख्त के उसने पत्ते खा लिए थे नेक्स्ट देखते हैं जी वाई विलेजर आस्क हजरत उमर फारूक टू डिले दीक्यूशन एग्जीक्यूशन कहते हैं सजा पर अमल दरामद को या सजा को भी कहते हैं आ, करने को वैसे कहते हैं अमल दरामद करना ठीक है डिले का मतलब होता है क्या तखीर करना देर करना देहाती ने हजरत उमर फारूक से फांसी में तखीर के लिए क्यों कहा तो ये इतना लंबा जोड़ा क्वेश्चन है मगर है सेटिस्फाइंग विलेजर हैड अ पीस ऑफ गोल्ड इन अर्थ उस देहाती ने हेड हिड छुपाया हुआ था अ पीस एक टुकड़ा ऑफ गोल्ड सोने का इन अर्थ जमीन के अंदर इट बिलोंग टू हिज यंगर ब्रदर इस ये उसके भाई का था इट बिलोंग टू ये था यंगर ब्रदर उसके छोटे भाई का ही वांटेड टू हैंड ओवर ही वो चाहता था टू हैंड ओवर हवाले करना दैट पीस ऑफ गोल्ड वो सोने का टुकड़ा टू अ ट्रस्ट एक जामिन को दस इसी वजह से ही आस्क उमर फ़ारूक उसने हजरत उमर फ़ारूक से कहा टू डिले एग्जीक्यूशन के वो सजा में या फांसी में तखीर कर दें रिपीट करते हैं जी I answer the villager had hid a piece of gold in earth, it belonged to his younger brother. He wanted to hand over that piece of gold to a trustee, thus, he asked Hazrat Abu Hazrat Umar -e Farooq, may Allah be well pleased with him, to delay the execution. Next question.

अपना जामिन या अपना जामिन कुछ सफर डेथ जो मौत का शिकार हो सके इन केस उस सूरत में ही डिड नॉट रिटर्न अगर वो ना आए ही वॉज आस्क टू गिव हिज कुड सफ़र डेथ इन केस ही नॉट रिटर्न उसे कहा गया जनाब आप जा सकते हैं लेकिन आप अपना कोई जामिन दे, दे कि के इन केस यू डू नॉट कम अगर आप नहीं आते तो कानून ने तो अपना आ, रास्ता बनाना है तो फिर कौन आपकी जगह पर सजा भुगतेगा तो अपना गारंटर दे दें नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वर सहाबाज वरीड वाई वर सहाबाज वरीड सहाबा क्यों परेशान थे वरीड परेशान होना तो हजरत अबूजर द दर्जर डिड नॉट रिटर्न दस दहाबाज अबाउट इज लाइफ उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं कातल वापस ना आने की सूरत में हजरत अबूजर गफ़ारी को कतल करना था मतलब सज़ा जो उस मुजरिम की थी वो जो देहाती था जिसने उस बूढ़े शख्स को पत्थर मारा था अगर वो ना आता तो फिर हजरत अबुजर गफारी चूँकि गरंटर बने थे श्योरटी बने थे जामिन बने थे तो इस वजह से उसकी सज़ा वो उन पर वारिद होती इस वजह से तमाम साहबा परेशान थे क्योंकि वो देहाती आया ही नहीं था नेक्स्ट देखते हैं जी वाई डिड एक्यूज़र्स फॉर गिव दिलेजर वाई डिड द एक्यूज़र्स क्यों मुलज़मों ने इल्ज़ाम लगाने वालों ने मुद्दान ने फॉर गिव मुआफ़ कर दिया दिलेजर उस देहाती को दी एूजर्स फॉर गेव फॉर गिव सेकंड फॉर्म है फॉर गिव की दी इल्ज़ाम लगाने वालों ने मुआफ़ कर दिया दी विलेजर उस देहाती को एज दर्ड इम्प्रेसड क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए थे बाइज अनेस्ट की ईमानदारी से एंड फेथफुलनेस और वफादारी से जी तो डियर डियर्सेंट्स आज का ये थर्टीन जो चैप्टर है यूनिट है वो भी कम्प्लीट हो गया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको Uh, ये तमाम क्वेश्चंस और आंसर्स पर मबनी वीडियो लेक्चर्स पसंद आए होंगे और डेफ़िनेटली आपने इनसे फ़ायदा भी उठाया होगा और अगर आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल की वीडियोज़ पसंद आए तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी लाइक करें सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अल्लाह फेस बाय